5 वर्षीय मासूम की नदी में डूबने से मौत। सोनभद्र जिले के विंडमगंज थाना क्षेत्र की घटना, जहां पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। 5 वर्षीय मासूम की नदी में डूबने से मौत हो गई। चचेरी बहन के साथ टहल रही थी मासूम। अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता कन्हैया के साथ। जी कन्हैया, क्या है पूरी जानकारी? जी आदित्य जी, आपको बता दें कि जो 5 वर्षीय सोनभद्र जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मोड़ी सेमर की करवा टोला नदी के किनारे बने छठ घाट पर अपनी चचेरी बहन के साथ टहल रही निशा, जो अचानक पैर फिसलने से, जो नदी में जाने से, और छोटे बच्चे होने का तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जी, तो क्या नदी के पास प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? जी, वो छठ के समय ही पूर्वांचल के सोनभद्र जिला, जो बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है, जो छठ के समय वहाँ प्रशासन की तैयारी रहती है, वहाँ बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किया जाता है, लेकिन इस समय कोई भी वहाँ तैयारी नहीं है। और वर्तमान समय में बच्चे स्नान करने के लिए जाते रहते हैं। तो साथ ही खबर है कि चचेरी बहन जो थी वो साथ थी, क्या उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने की प्रयास किया, लेकिन वो भी छोटी ही थी, 12 साल। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया। आपको एक बार फिर बता दें, 5 वर्षीय मासूम की नदी में डूबने से मौत। चचेरी बहन के साथ टहल रही थी मासूम, वहीं पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। वहीं हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सोनभद्र जिले के विंडमगंज थाना क्षेत्र की है घटना।